वेलकम टू वरुण मैथ्स ऑनलाइन क्लास। मैं अपने इस चैनल पर बीटेक, बीएससी, बी फार्मेसी, नेट और गेट के वीडियो अपलोड करता हूं। आज बीएससी और बीटेक के लिए इस टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले भी मैं दो वीडियो इसके ऊपर बना चुका हूं, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई के लिए। इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी हो, चाहे इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई हो, चाहे इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स हो, आप उसको बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कीजिएगा। इसके वीडियो नंबर वन में मैं डिटेल्स में आपको बताया हूँ कि किस इक्वेशन को अपन इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई के लिए यूज़ करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इक्वेशन है ना कि वो वाई के लिए भी सॉल्व हो सकता है ऐसा लगता है और एक्स के लिए भी सॉल्व हो सकता है, तो वहाँ पास कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है। तो ये सब में आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। मैं वीडियो नंबर वन में डिटेल्स बता दिया हूँ, आप उसको एक बार ज़रूर देख लेंगे। एक क्वेश्चन है, सॉल्व वाई इक्वल्स टू एक्स पी स्क्वायर प्लस पी। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? वाई देखिए लेफ्ट हैंड साइड में है और अकेला है, तो इसको अपन क्या करेंगे, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई के लिए ही बनाएंगे। और क्या होता है, देखिए इसमें वाई, एक्स और पी तीन वेरिएबल है। किसी भी थ्री वेरिएबल्स को अपन टू वेरिएबल्स में पहले चेंज कर लेंगे, उसके बाद वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई इनमें से तीनों में से कोई एक मेथड लगा करके इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये थ्री वेरिएबल्स को टू वेरिएबल्स में चेंज करते हैं। तो इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा, जो पी बन जाएगा। फिर अपने पास इक्वेशन एक्स और पी में आ जाएगा, जिसको अपन आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन मैं डायरेक्ट लगा दे रहा हूँ, फर्स्ट टू पी डी पी बाई डी एक्स, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, और ये हो जाएगा डी पी बाई डी एक्स। ये ऐसा मिल जाएगा आपको, डी वाई बाई डी एक्स को आप पी लिख सकते हैं, और यहाँ पास आपके पास पी स्क्वायर है, और ये है टू एक्स पी डी पी बाई डी एक्स, और यहाँ है डी पी बाई डी एक्स। ठीक है, इसका साइड चेंज कर लीजिए तो ये हो जाएगा पी माइनस पी स्क्वायर, और यहाँ से आप डी पी बाई डी एक्स को कॉमन निकाल लीजिए, डी पी बाई डी एक्स को, तो आपके पास बचेगा टू एक्स पी प्लस वन। ठीक है, यहाँ से आप पी को कॉमन निकाल लीजिए पी, तो ये हो जाएगा वन माइनस पी, और इसका साइड चेंज करके इधर ले आइए ताकि अपन ये किसको किसी एक फॉर्म में एडजस्ट कर सके। इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में अपन एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका साइड चेंज कर दिया, यहाँ आ गया, और ये हो गया टू एक्स पी प्लस वन, ये अपने पास आ गया डी एक्स बाई डी पी इक्वल्स टू टू एक्स पी, और ये आ जाएगा पी वन माइनस पी प्लस वन अपॉन पी वन माइनस पी। यहाँ से पी और पी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा डी एक्स डी पी इक्वल्स टू माइनस लिख दूंगा यहाँ, ये हो जाएगा टू एक्स, इसको पी माइनस वन बना दूंगा, पी माइनस वन बना दिया मैं, और ये है प्लस वन पी वन माइनस पी। इसका साइड चेंज कर लिए, डी एक्स बाई डी पी प्लस टू एक्स पी माइनस वन इक्वल्स टू वन अपॉन पी वन माइनस पी, विच इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। आपको याद होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, ऐसा होता है। यहाँ पास क्या करते हैं, इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं, e टू द पावर पी डी एक्स, आप ट्वेल्थ क्लास में किए होंगे। इसका सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रल फैक्टर का इंटीग्रेशन प्लस c, ऐसा ही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है x और p में। देखिए सबसे पहले इसका इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे, इसका इंटीग्रल फैक्टर कैसे निकालते हैं, इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल्स टू ई टू द पावर पी, पी की जगह में क्या है टू अपॉन पी माइनस वन, तो ये जगह टू वन अपॉन पी माइनस वन डी पी, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर टू, और ये हो जाएगा लॉग पी माइनस वन।
तो इंटीग्रल फैक्टर इक्वल्स टू क्या हो गया, ई टू द पावर लॉग पी माइनस वन का होल स्क्वायर। ई और लॉग कैंसिल हो जाएगा, पी माइनस वन का स्क्वायर आपको इंटीग्रल फैक्टर मिलेगा। तो इसका सॉल्यूशन कैसे देते हैं, सॉल्यूशन यहाँ y की जगह में यहाँ क्या है x, तो ये हो जाएगा x इंटू इंटीग्रल फैक्टर इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रल फैक्टर इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू p प्लस c। तो ये हो जाएगा x इंटीग्रल फैक्टर क्या है, p माइनस वन का स्क्वायर, ये हो जाएगा q, q आपके पास क्या है ये वन अपॉन p वन माइनस पी, ये है वन माइनस पी q की जगह में, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये q की जगह में, और इसका इंटीग्रल फैक्टर क्या है, p माइनस वन का स्क्वायर डी पी प्लस सी। देखिए ये वन माइनस पी है, ये p माइनस वन है, तो इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ, माइनस लगा दूंगा इसमें, c को पहले लिख दिया, c पॉजिटिव और इसमें माइनस लगा दिया, वन अपॉन पी पी माइनस वन लिख दिया, ये माइनस बना दिया इसको, पी माइनस वन लिख दिया, और ये पी माइनस वन का स्क्वायर हो गया और ये डी पी हो गया, एक कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो आपको मिलेगा सी माइनस इंटीग्रेशन पी माइनस वन अपॉन पी डी पी। इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन, देखिए इसका सॉल्यूशन क्या देंगे, ये है आपका एक्स माइनस वन, सॉरी ये है एक्स पी माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू सी माइनस, आप इसको अलग अलग कर लीजिए, p अपॉन p इंटीग्रेशन डी पी माइनस इंटीग्रेशन वन अपॉन p डी पी, ये हो जाएगा x p माइनस वन का स्क्वायर c माइनस, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी पी और ये हो जाएगा log p, तो ये हो जाएगा x p माइनस वन का स्क्वायर c माइनस, ये हो जाएगा p माइनस log p, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस log p हो जाएगा ये, ठीक है, ये ऐसा आ गया, ये इक्वेशन नंबर टू है। और आपका क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन y इज इक्वल्स टू एक्स पी स्क्वायर प्लस पी, ये इक्वेशन नंबर वन था। तो आप लिख सकते हैं कि इक्वेशन वन एंड टू टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, एक और दो मिलकर के रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है, ये आपका हो गया सॉल्यूशन। चलिए एक आध और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के देखते हैं, देखिए एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, सॉल्व वाई प्लस पी एक्स एक्स टू द पावर फोर पी स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है, तो डेफिनेटली यहाँ वाई अकेला दिख रहा है ना, तो ये इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई ही होगा, क्योंकि एक्स यहाँ दो है, पी भी दो है, वाई अकेला है, तो ये इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई ही होगा। इसको सॉल्यूशन अपन कैसे लिखेंगे, पहले रीअरेंज कर लीजिए, इसको रीराइट कर लीजिए, वी कैन राइट इट एज, इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्स प्लस एक्स टू द पावर फोर पी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो अपने को क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन लगा दीजिए, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, फिर यहाँ भी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन लगेगा, ये हो जाएगा एक्स टू द पावर फोर, ये फर्स्ट ये सेकंड, एक्स टू द पावर फोर टू पी डी पी बाई डी एक्स प्लस फोर एक्स क्यू और ये हो जाएगा पी स्क्वायर फोर एक्स क्यूब, इतना आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा p इक्वल्स टू माइनस पी माइनस एक्स डी पी बाई डी एक्स प्लस एक्स टू द पावर फोर टू पी
डी पी बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा 4x³p² सभी का साइड चेंज कर लीजिए, तो ये पी प्लस पी, इसको मैं डायरेक्ट 2p लिख दे रहा हूँ, ये इधर आएगा तो पी प्लस पी, ये हो जाएगा 2p, इसका साइड चेंज करके मैं इधर ले आया, पहले इसको ले आया मैं माइनस 4x³p² और फिर इसको ले आया प्लस एक्स डी पी बाई डी एक्स माइनस 2px⁴ डी पी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन आएगा और p कॉमन आएगा, तो यहाँ से 1 माइनस 4 सॉरी 4 में से 2x³ और p बचेगा, और यहाँ से मैं x डी पी बाई डी एक्स को कॉमन ले ले रहा हूँ, डी पी बाई डी एक्स को, तो यहाँ 1 माइनस 2px³ ये बचेगा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपको मिल गया 2p प्लस एक्स डी पी बाई डी एक्स, और ये हो गया 1 माइनस 2px³p इक्वल्स टू 0। इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को लेकर चलेंगे, सेकेंड टर्म को नेगलेक्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, सेकेंड टर्म को नेगलेक्ट कर देते हैं, नेगलेक्टिंग द सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म को अपन नेगलेक्ट कर दे रहे हैं। क्यों क्यों को नेगलेक्ट कर देना है, बिकॉज इट डज़ नॉट कंटेन डी पी बाई डी एक्स। इसके वर्किंग रूल में ही मैं बताया था आपको कि ये जो इक्वेशन मिलेगा वो डी पी बाई डी एक्स में मिलेगा, यहाँ डी पी बाई डी एक्स नहीं है इसलिए उसको अपन नेगलेक्ट कर दिए, तो अपने पास क्या मिलेगा 2p प्लस एक्स डी पी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। ये वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में है, तो इसको कैसे करेंगे, विच इज़ इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, इसी फॉर्म में है ये, तो इसमें क्या करेंगे, ये 2 ये डी एक्स को ऊपर ले आएंगे और ये x को नीचे ले आएंगे, और यहाँ हो जाएगा ये p को इसके नीचे ले आएंगे, डी पी बाई पी इक्वल्स टू 0। ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आपको मिल गया, ठीक है। अब सीधा सीधा इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, देखिए बाय इंटीग्रेटिंग इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, तो ये क्या मिलेगा, 2 log x, ये 1 बाई एक्स डी एक्स का log x, ये हो जाएगा log p इक्वल्स टू log c, ये हो जाएगा log x का स्क्वायर प्लस log p इक्वल्स टू log c, log के रूल से ये क्या हो जाएगा, log पी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू log c, log log कैंसिल हो जाएगा तो पी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू c, तो p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, c बाई एक्स स्क्वायर। अब p को एलिमिनेट करना रहता इससे, ठीक है, तो आपका जो भी क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में हमने क्या लिखा था, इसको y इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्स प्लस एक्स टू द पावर 4px², यहाँ पास आप p की वैल्यू रख दीजिए तो आपका आंसर निकल जाएगा। यहाँ लिखिए putting the value of c, c क्या है, value of c, that is c equals to, value of p such that p equals to, ये हो जाएगा p equals to c by x square in equation 1, ये 1 मान लीजिए, यहाँ वैल्यू पुट अप कर लीजिए, तो ये y इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस c बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एक्स टू द पावर 4
पी स्क्वायर मतलब हो जाएगा सी स्क्वायर और एक्स टू द पावर 4 हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, यहाँ से एक एक्स कैंसिल हो गया, दोनों साइड में एक्स का मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स वाई इक्वल टू माइनस सी और ये हो जाएगा सी स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये आपका विच इज अ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर पूछेंगे, मैं बताने की कोशिश करूँगा। चलिए एक आध और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ले करके चलते हैं। देखिए एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्व वाई इक्वस टू पी साइन पी प्लस कॉस पी। इसको अपन सॉल्व करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई के लिए है। तो इसके सॉल्यूशन में डायरेक्ट हम डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर लेते हैं, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन लगेगा, फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड, साइन का क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन कॉस पी डी पी बाई डी एक्स प्लस सेकेंड, ये हो जाएगा साइन पी और ये हो जाएगा डी पी बाई डी एक्स और कॉस पी का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन पी डी पी बाई डी एक्स, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इसको अपन पी लिख सकते हैं, पी इक्वल्स टू पी कॉस पी डी पी बाई डी एक्स, ये मिलेगा, यहाँ से पी और पी कैंसिल हो गया तो कॉस पी डी पी बाई डी एक्स इक्वल्स टू यहाँ 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसके आगे कैसे सॉल्व करते हैं, इसको वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में ले आते हैं, डी एक्स को इधर ले जाते हैं, ये हो जाएगा डी एक्स और ये हो जाएगा कॉस पी डी पी। अब क्या वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में आ गई है, तो आप इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लेते हैं बाय इंटीग्रेटिंग, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, डी एक्स का एक्स और कॉस पी का इंटीग्रेशन, आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं डी एक्स का इंटीग्रेशन और यहाँ से कॉस पी डी पी का इंटीग्रेशन प्लस सी, तो डी एक्स का एक्स हो जाएगा, कॉस पी का इंटीग्रेशन साइन पी हो जाएगा प्लस सी, तो साइन पी इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स माइनस सी, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान कर रख लीजिए। ठीक है, अब क्या करना है कि अपने को इस इक्वेशन में साइन पी और कॉस पी की वैल्यू रखना है, तो अपन जानते हैं वी नो दैट कॉस थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है, तो कॉस पी बराबर क्या हो जाएगा, कॉस पी का मान निकालेंगे तब अपन यहाँ पास पुट अप कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर पी, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, कॉस पी इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर पी, तो कॉस पी की जो वैल्यू होगी वो होगी अंडर रूट 1 माइनस साइन पी की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस सी, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस सी का स्क्वायर, ये हो गया कॉस पी की वैल्यू, ये हो गया साइन पी की वैल्यू, और दोनों वैल्यू को अब इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लीजिए और इसको 2 मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 1 में अपन पुट अप कर देते हैं। अब यहाँ से क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ साइन पी एंड कॉस पी इन इक्वेशन 1, वी गेट अपने को क्या मिलेगा, देखिए y इक्वल्स टू ये है p साइन पी, साइन पी की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस सी, और कॉस पी की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस सी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से पी की वैल्यू निकालेंगे, पी एक्स माइनस सी, पी एक्स माइनस सी इक्वल्स टू वाई माइनस, देखिए वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस सी का स्क्वायर, तो पी इक्वल्स टू हो जाएगा वाई माइनस अंडर रूट
वन माइनस एक्स माइनस सी का स्क्वायर बाई एक्स माइनस सी, ये हो गया पी की वैल्यू। इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर टू में डाल देंगे ताकि पी जो है एलिमिनेट हो जाए, पी को एलिमिनेट करना रहता है, तो इसकी वैल्यू को अपन इक्वेशन नंबर टू में रख देंगे। तो क्या मिलेगा देखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी इन इक्वेशन टू, ऐसा करने से क्या होगा, पी एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन, पी की जगह में रख दिए क्या, ये साइन वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स माइनस सी का स्क्वायर और बाई एक्स माइनस सी इक्वल्स टू एक्स माइनस सी, ये यहाँ रखने से अपने को ये मिल गया, विच इज़ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, विच इज़ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकल गया। ठीक है, पी को एलिमिनेट कर दिए तो ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकल गया। तो मेरे ख्याल से आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, यदि वीडियो पसंद आएगा तो आप इसको लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।